जहाज का निर्माण जब से हुआ है तब से ये लोगों को और उनकी चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के काम आता है और नुकसान पहुँचाने की भी बड़ा काम में आया है। अलग विशेषताओं के कारण इन्हें अलग अलग बनाया गया। कुछ जहाज ने देश बर्बाद कर दिए विस्फोटक बॉम्ब गिराकर, पर इन्हीं जहाज को जब लोग छोड़ देते हैं तो इनका क्या हाल होता है ये शायद उनसे अनजान है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और आपको पता ही होगा इस युद्ध के समय बहुत तबाही मची थी। इस युद्ध को बहुत साल हो चुके हैं फिर भी इन जहाज़ों का कुछ पता नहीं चल पाया। उस समय बहुत से हवाई जहाज उड़ान भरे थे। अभी विश्व युद्ध को काफ़ी साल बीत चुके हैं लेकिन इनमें से बहुत से जहाज़ों का कुछ पता नहीं चल पाया और जिनका पता चला है उनकी हालत कुछ ऐसी ही। एक जहाज जो पानी में परिक्रमा कर रही थी जांच के कारण, क्योंकि ब्रिज बनाने का निरीक्षण चल रहा था, तो उन्हें एक पानी से क्रैश हुआ विमान मिला। ये विमान IN-2 प्लेन था। इस प्लेन में कुछ कागज और पायलट के निजी सामान भी मौजूद थे। ये जहाज जुलाई 1943 में बना था और उसी साल नवंबर में इसे जंग में उतारा गया था, लेकिन कभी ये जहाज वापस नहीं लौटा। इस पे लगा हुआ लड़ाई के निशान था। ये विमान जंग में बुरी तरह हारा था। बुरी तरह हारने के बाद और इतने सालों से एक जगह पड़े रहने के बाद भी इसके अंदर की लाइफ जैकेट पूरी तरह सुरक्षित थी। जैकेट पे एक बैज भी था जो पुरस्कार रूप में पायलट को दिया गया था। इस प्लेन का पायलट ने लाइफ जैकेट नहीं रखा था क्योंकि उस समय पायलट दाव लगाते थे कि शौर्य से जीतने के बाद सुरक्षा के उनकी ज़िंदगी का दाव लगा के। ग्रीस के एलिनिकन एयरपोर्ट के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ओलंपिक के समय था। ओलंपिक के निर्माण के लिए एक एयरपोर्ट का निर्माण किया गया जो स्मार्ट एयरपोर्ट बनाने का निरीक्षण किया गया था और बाद में उसे संपूर्ण बना लिया गया और ये एयरपोर्ट बंद हो गया जो एलिनिकन एयरपोर्ट था। और यही एयरपोर्ट पे पड़े पड़े एरोप्लेन जंग लग गए थे। उन्हें बेचने की कोशिश की डिसमेंटल करके, पर ऐसा भी उनके पुर्जों को किसी ने नहीं खरीदा। ब्रिटेन के किसी खेत में पड़ा हुआ एक प्लेन एक खेत में पड़ा हुआ था जो काफ़ी अजीब था। म्यूजियम अगर अचानक बंद हो जाता है किसी कारण तो उसके अंदर की चीज़ों का क्या हालत होता है ये आज आपको पता चलेगा, क्योंकि किसी समय में यहाँ म्यूजियम हुआ करता था जहाँ हवाई जहाज को रखा जाता था। लेकिन जब इन्हें ऐसे ही बंद कर दिया गया तो इनके रखने के लिए कोई दूसरा जगह नहीं बनाया गया और सरकार ने भी इतना ध्यान नहीं दिया और ऐसे प्लेन पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। अब ये कबाड़ बन गए हैं। मलेशिया का विमान 370 एक बार अपने आप उड़ान के बाद गायब हो गया था, जिसे बहुत सारे सर्च के ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पाया था। फिर कुछ समय बाद गूगल अर्थ के मदद से प्लेन को ढूंढा गया जो कंबोडिया के जंगल में पड़ा हुआ था, जिसकी जांच के लिए मलेशिया सरकार को बोला गया पर उन्होंने मना कर दिया ये बोलकर कि वो प्लेन इंडियन ओशन में कहीं गिर गया। अब हम आपको जो जहाज़ के बारे में बताएंगे वो एक डेजर्ट के रेत में पड़े पड़े सड़ रहा है। इस जहाज पर पामा बीच लिखा हुआ है। ये आखिरी बार 99 में उड़ी थी। ये सोवियत यूनियन USSR इस्तेमाल करते थे। USSR के अलग या विभाजन होने के बाद ये प्लेन भी उड़ान बंद हो गई और इस प्लेन को ऐसे ही छोड़ दिया गया।